दिस इज़ योर फ्रेंड अमित और आज हम एक्सप्लोर करेंगे सेक्टर 5। मैं आपको दूंगा कुछ छोटी मोटी डिटेल्स, देखेंगे क्या है सेक्टर 5 का स्टेटस, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, रोड स्टेटस क्या है, ट्रेन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर सेक्टर 5। सेक्टर 5 बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है। अगर हम सीधे चले जाएं तो वहाँ से जो स्टेशन का डिस्टेंस है वो थोड़ा दूर पड़ता है। नॉर्मली अगर स्टेशन का डिस्टेंस देखा जाए सेक्टर 5 से तो 10 मिनट्स वॉकिंग है। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी अभी इतनी अच्छी नहीं है, एक एक घंटे में एक ट्रेन आती है। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी जल्द से जल्द बढ़े और लोगों को इससे अच्छा फ़ायदा हो। तो बहुत सारे दुकान यहाँ पे चालू हैं, बहुत सारे शॉप्स बंद भी हैं, काफ़ी सारी बिल्डिंगें अभी बन रही हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है सेक्टर 5 का वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सीवेज का काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, रोड्स भी यहाँ पे न्यूली कंस्ट्रक्टेड हैं, काफ़ी अच्छे रोड्स यहाँ पे बनाए गए हैं और फुटपाथ को भी अच्छे से मेंटेन किया गया है। अब दोस्तों ये हमारे ऊपर है, हम किस तरह से अपने एरिया को मेंटेन रखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी लोगों से कि अपने एरिया को नीट एंड क्लीन रखें और हाइजीन रहें।
तो ट्रांसपोर्टेशन जो है अभी भी यहाँ पे एक इशू बना हुआ है। ऑटोज़ वगैरह इतनी आसानी से हमें नहीं मिल पाते हैं। अगर आपके पास खुद की फोर व्हीलर या टू व्हीलर है तो यहाँ पे रहना आपको आसान हो सकता है। वाटर सप्लाई यहाँ पे 24 आवर्स है। अगर आप इस एरिया में रहने की या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ये वीडियो उन तक पहुंच सके। तो खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, और तब तक के लिए गुड बाय।